तो गाइस आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं स्टूडियो मास्टर का डीजे 2500 एक पावर एम्पलीफायर। आज इस वीडियो में हम इस वाला एम्पलीफायर का स्पेसिफिकेशन बताने वाले हैं और इसका प्राइस बताने वाले हैं और इस एम्पलीफायर पर आप कितना वाट के टॉप कितना वाट के बेस चला सकते हैं, चलिए इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एम्पलीफायर का हम क्लोज लुक दिखा देते हैं। तो कुछ इस तरह से देखने में लगता है एम्पलीफायर, देख सकते हैं यह इसका बैक पैनल। और इस वाला एम्पलीफायर में आपको डबल क्रॉसओवर देखने को मिलता है दोनों चैनल के लिए। काफ़ी सारा ऐसा एम्पलीफायर रहता है जिसमें एक ही क्रॉसओवर आपको देखने को मिलता है। और ये था इसका क्लोज लुक, चलिए इसका हम डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडियो मास्टर का ब्रांडिंग है और यहाँ पे स्टीरियो पावर एम्पलीफायर है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका पावर ऑन ऑफ का स्विच है, काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है। और यहाँ पे प्रोटेक्शन चैनल ए के लिए देख सकते हैं और यहाँ पे प्रोटेक्शन चैनल बी के लिए। और यहाँ पे पावर का LED इंडिकेटर यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं चैनल ए के लिए वॉल्यूम यहाँ पे दिया गया है, काफ़ी स्मूथ वॉल्यूम ये रहता है। और यहाँ पे चैनल बी के लिए यहाँ पे वॉल्यूम नॉब दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं DJ 2500 इसका मॉडल नंबर है। और यहाँ पे देख सकते हैं चैनल ए के लिए चैनल बी के लिए यहाँ पे क्लिप इंडिकेटर यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं नीचे इसका सिग्नल इंडिकेटर है, यहाँ पे उसको नीचे देख सकते हैं एक बास बूस्ट का इंडिकेटर दिया गया है। और यहाँ पे गर्म हवा बाहर निकलने के लिए आपको होल दिया गया है चैनल ए के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं चैनल बी के लिए भी दिया गया है ताकि आपका गर्म हवा बाहर निकल सके और एम्पलीफायर ठंडा रहे। चलिए इसका हम बैक पैनल की बात कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं इसका पावर केबल का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, हमें बहुत ही अच्छा लगा इसका पावर केबल। और यहाँ पे देख सकते हैं चैनल ए के लिए चैनल बी के लिए यहाँ पे फैन है, यहाँ पे चैनल ए के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका फ्रिक्वेंसी का क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी का वॉल्यूम नॉब है, आप कितना फ्रिक्वेंसी पर सेट करना चाहते हैं उस हिसाब से आप वॉल्यूम नॉब को रख सकते हैं। और यहाँ पे लो कट का ऑन ऑफ का स्विच है यहाँ पे दोनों चैनल के लिए, देख सकते हैं। और इसको नीचे यहाँ पे देख सकते हैं बीच में यहाँ पे बास बूस्ट का ऑन ऑफ का यहाँ पे स्विच दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं स्टीरियो ब्रिज पैरेलल का यहाँ पे स्विच देखने को मिलता है, आप कोई सा भी मोड पर रख के इसको चला सकते हैं अपना हिसाब से। यहाँ पे आपको जैक इनपुट देखने को मिलता है दोनों चैनल के लिए। और यहाँ पे XLR दोनों चैनल के लिए देखने को मिलता है इनपुट के लिए। और यहाँ पे इसका कुछ सीरियल नंबर दिया गया है, देख सकते हैं ओरिजिनल एम्पलीफायर है ये। और यहाँ पे आपको आउटपुट में स्पीकर के लिए जैक आउटपुट देखने को मिलता है, आप एक समय पर जैक से भी आउटपुट ले सकते हैं। और यहाँ पे स्पीकर सॉकेट दिया गया है आउटपुट के लिए। और नीचे देख सकते हैं यहाँ पे बनाना टर्मिनल यहाँ पे दिया गया है माइनस प्लस, देख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लिखा गया है कि आप स्पीकर सॉकेट में कैसे वायरिंग करेंगे ब्रिज के लिए और पैरेलल के लिए। और यहाँ पे आपको अर्थिंग के लिए देख सकते हैं पोल दिया गया है। और यहाँ पे आपको फ्यूज देखने को मिलता है इस वाला एम्पलीफायर में। और उसको नीचे देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज का यहाँ पे लिखा गया है कि 250 वोल्ट से इसको चला सकते हैं, 230 से 250 वोल्ट पर। और ये एम्पलीफायर मेड इन PRC है, मतलब चाइना मेड है, ये चाइनीज एम्पलीफायर है। तो चलिए इसका हम स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इस वाला एम्पलीफायर का वेट लगभग आपको 20 किलो के आसपास देखने को मिलता है और इसका जो डंपी फैक्टर है वो 350 दिया गया है। बात करें इस वाला एम्पलीफायर का आउटपुट कैपेसिटी के बारे में तो ये 8 ओम पर 600 वाट देता है पर चैनल और 4 ओम पर 900 वाट देता है पर चैनल। और 8 ओम ब्रिज मोड पर 1800 वाट देता है। और इस वाला एम्पलीफायर को आप 2 ओम पे यूज ना करें क्योंकि कंपनी ने रिकमेंडेशन नहीं दिया है इसको 2 ओम पर चलाने के लिए, तो आप ना चलाएं, नहीं तो आपका एम्पलीफायर भी खराब हो सकता है। और बात रहा इस एम्पलीफायर का प्राइस का, तो आपको 30,000 के आसपास देखने को मिल जाता है मार्केट में इस वाला एम्पलीफायर का प्राइस। इस एम्पलीफायर पर आप 800 वाट के दो टॉप चला सकते हैं। अगर आप बेस चलाना चाहते हैं तो इस पर 650 वाट के दो बेस आराम से चला सकते हैं, ये आराम से चलाता है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।